हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कॉम्पिटिशंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 19 अक्टूबर 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कॉम्पिटिशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कॉम्पिटिशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। यह करंट अफेयर्स आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, बैंक्स, जीआरई, नेट, रेलवे इत्यादि एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, मैं अनअकैडमी ऐप पर एजुकेटर हूं। अनअकैडमी ऐप पर मेरे द्वारा राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स जीके। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से बात की जाए तो विच हैज लॉन्च्ड इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019, किसने भारतीय नवाचार सूचकांक 2019 लॉन्च किया है? तो जो भारतीय नवाचार सूचकांक 2019 है वह नीति आयोग ने लॉन्च किया है और नीति आयोग ने यह सूचकांक ज्ञान साझेदार के रूप में प्रतिस्पर्धी क्षमता के लिए इंस्टीट्यूट फॉर कंपिटिवनेस के साथ मिलकर जारी किया है। नवाचार मामलों की बात की जाए तो नवाचार मामले में कर्नाटक राज्य अव्वल स्थान पर है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेट है वह कर्नाटक। और यदि इंपॉर्टेंट स्टेट यानी कि 10 स्टेट्स की बात की जाए कि 10 स्टेट कौन कौन से हैं जो कि नवाचार मामले में अव्वल आए हैं, उनमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा, केरला, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, गुजरात और आंध्र प्रदेश, ये अव्वल स्थान पर आए हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली शीर्ष स्थान पर है और छोटे राज्यों में सिक्किम राज्य प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट, व्हाट न्यू नेम हैज अनाउंस्ड ऑफ नेशनल हाईवे नंबर 703AA बाय द यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी? केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 703AA को किस नए नाम से दर्शाया गया है या किस कौन सा नया नाम दिया गया है? तो उन्हें जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 703A है उसे नया जो नाम दिया है वह नाम है श्री गुरु नानक देव जी मार्ग, और यह नाम इसे नेक्स्ट मंथ से मिलेगा, यानी कि अगले मंथ से मिलेगा। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है 703AA वह कपूरथला से गोइंदवाल साहिब को जोड़ता हुआ पंजाब से में तरन तारण के पास समाप्त हो जाता है। यह जो निर्णय लिया गया है यह गुरु नानक देव की जयंती 550वीं जयंती के उपलक्ष में लिया गया है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज सेट टू इंट्रोड्यूस वेब टैक्स ऑन डिजिटल ग्रांट फ्रॉम 2020? 2020 से किस देश ने वेब टैक्स, वेबसाइटों पर टैक्स लगाना स्टार्ट किया है? तो 2020 से यदि बात की जाए तो इटली ने, जो इटली देश है उसने वेब टैक्स अनिवार्य कर दिया है। वेब टैक्स जो है वह फेसबुक, गूगल, अमेजन जैसी कंपनियों के इंटरनेट ट्रांसजेक्शन करने पर 3% टैक्स देना होगा और यह टैक्स अगले साल यानी कि 2020 से प्रभावी होगा। नेक्स्ट, वेयर वाज द ओडिशाज फर्स्ट रोबोट रेस्टोरेंट ओपन? ओडिशा राज्य का पहला रोबोट रेस्टोरेंट कहाँ स्थापित किया गया है, कहाँ पर खोला गया है? तो भुवनेश्वर में ओडिशा का पहला रेस्टोरेंट जो कि रोबोट संचालित है वो खोला गया है। और भुवनेश्वर के जो ये इन्फी सिटी डीएलएफ टावर एरिया में यह रेस्टोरेंट खोला गया है।
यहाँ पर दो रोबोट हैं जो कि खाना यानी कि फूड डिलीवरी करेंगे, खाना सर्व करेंगे। और जो दो रोबोट है उनका नाम है, एक का नाम है चंपा और दूसरे का नाम है चमेली। नेक्स्ट, विच कॉन्फ्रेंस हैज बीन इनोग्रेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश कमलनाथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा कौन सी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया गया है? तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है कमलनाथ, उन्होंने मैग्निफिकेंट मध्य प्रदेश कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है। यह कॉन्फ्रेंस इंदौर में आयोजित की जाएगी और इसमें विभिन्न नामी उद्योगपति हिस्सा लेंगे जो कि अपने अपने उद्योगों के बारे में प्रचार प्रसार करेंगे और अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बात करेंगे। नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर सत्यपाल मलिक हैज इनोग्रेटेड। जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसका उद्घाटन किया है? तो उद्घाटन किया जम्मू एंड कश्मीर बाजार का। नेक्स्ट, Who has been elected as the vice chairman of the World Steel Association? किसे World Steel Association का chairman, vice chairman नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है सज्जन जिंदल को। Next, who has been named orchestra of the year of at the 2019 gramophone award? किस ऑर्केस्ट्रा को 2019 ग्रामोफोन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हांगकांग फिलहारमोनिक ऑर्केस्ट्रा को। और यह एक पहला एशियाई ऑर्केस्ट्रा है जिसे 2019 ग्रामोफोन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, वेयर वाज इंडिया जापान जॉइंट एयर फोर्स एक्सरसाइज सिन्यू मैत्री 2019 बिगिन। भारत और जापान की संयुक्त एयरफोर्स एक्सरसाइज सिन्यू मैत्री 2019 कहां पर शुरू हुई है? तो शुरू हुई है वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल में, जहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। यह जो जॉइंट एक्सरसाइज है, संयुक्त एक्सरसाइज 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक चलेगी और यह 17 से 23 अक्टूबर तक पनागर शहर पश्चिम बंगाल के वायु सेवा स्टेशन में चलेगी। नेक्स्ट और लास्ट करंट अफेयर्स की बात की जाए तो हु वाज द पब्लिकेशन ऑफ द बुक इंडिया इन ए वार्मिंग वर्ल्ड इंटीग्रेटिंग क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट। इंडिया इन ए वार्मिंग वर्ल्ड इंटीग्रेटिंग क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट किताब के पब्लिकेशन प्रकाशनकर्ता कौन है? तो प्रकाशनकर्ता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस और इस बुक में सुनीता नारायण, अनिल अग्रवाल, डॉक्टर फ्रेडरिक ओटो एंड और शिवानी घोष सहित जलवायु विशेषकों के लेखों का संग्रह है। यह पुस्तक नवरोज के दूसरा द्वारा संपादित है। नवरोज के दूसरा द्वारा इसको संपादित किया गया है और इसका प्रकाशन किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जी के। और बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड गिफ्ट फेयर 2019? इंडियन हैंडीक्राफ्ट और गिफ्ट मेला 2019 की थीम विषय क्या है? ऑप्शन ए रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल, ऑप्शन बी रीयूज रिड्यूस रिसाइकिल, ऑप्शन सी रिड्यूस रिसाइकिल रीयूज, ऑप्शन डी रिसाइकिल रिड्यूस रीयूज। मेरे प्यारे साथियों, ये जो क्वेश्चन ऑफ द डे है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। जो भी आपके आंसर है वो कमेंट बॉक्स में डालें। तो साथियों, ये था आज का करंट अफेयर्स जीके जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और थैंक यू सो मच। और यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, जो भी क्वेरी है जो भी क्वेश्चन है कमेंट करें, हमारे वीडियोज को और हमारे YouTube चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ हमें अनअकैडमी Instagram और Facebook पर भी फॉलो करें। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।